जब शादी होगा लड़का लड़की में, वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसा, उसको बाहर कर दो। सदन की फ्लोर पे ऐसा लगता है कि नीतीश जी आजकल कोई गंदी फिल्में देख करके सो रहे हैं, जाग रहे हैं। कार नीतीश कुमार यानी कि पलटू चाचा के इस स्पीच ने पूरे देश में तहलका मचा के रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि इन दिनों प्रधानमंत्री से लेकर के सांसद तक इस स्पीच को राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि इस देश में भी कई सारे लोगों ने नीतीश कुमार जी के इस स्पीच का बहिष्कार किया है, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका था, उनकी जो लैंग्वेज थी, वो थोड़ी सी वल्गर टाइप की थी। इसीलिए इस देश के कई लोगों को इस बात का बुरा लगा है और उनके भावनाओं को ठेस पहुंची है। और इनडायरेक्टली इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है राजनीतिक पार्टियों को और मनीष कश्यप को भी। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप के समर्थक तो तेजस्वी यादव का विरोध पहले से ही कर रहे हैं, पहले से ही तेजस्वी यादव को बिहार से हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच नीतीश कुमार जी ने ऐसा स्पीच दे दिया जिससे कि बिहार की काफी सारी महिलाएं और काफी सारे पुरुष भी इस बात का बहिष्कार कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी को इस बार सरकार से हटाने की भी बात कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी के इस बयान से अगर सबसे ज्यादा दुख किसी को हुआ है तो वो हुआ है बिहार की महिलाओं को। और नीतीश कुमार जी बिहार के लीडर हैं और उन्होंने अपनी प्रजा के बारे में ऐसी बात कही, ऐसे वल्गर शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं और काफी सारे एजुकेटेड लोग भी इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नीतीश कुमार जी की बातों में गहराई तक जा करके इनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है और वो लोग इनका विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। हालांकि आप लोगों की इस पर क्या राय है, क्या नीतीश कुमार जी की बातें आपको सही लगी या गलत लगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ना पक्ष ना विपक्ष, एकदम निष्पक्ष होकर के बताइएगा। और ये सारी खबर सोशल मीडिया से ली गई है तो इसकी पुष्टि हम नहीं करते।